हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान आज C++ के सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम लोग जंप स्टेटमेंट देख रहे थे जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है आपका कंटिन्यू का मीनिंग वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटिव उसके बाद के स्टेटमेंट आपके कंटिन्यू रहेंगे द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू द लूप विद इट इज नेक्स्ट आइटेशन मीन नेक्स्ट स्टेटमेंट तो चलेगा बट जिस स्टेटमेंट में आपने कंडीशन देखी है वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा सो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप एनी रिमेनिंग स्टेटमेंट इन दी करेंट आइटेशन एंड इमीडिएटली पास कंट्रोल टू दी नेक्स्ट आइटेशन मतलब पास कर देगा नेक्स्ट सो लूप होगा पहले आपका ये फ्लो चार्ट है आपका कंडीशन टू कंटिन्यू नेक्स्ट आइटेशन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक कर लेगा आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो आपका वो एग्जीक्यूट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी बॉडी बॉडी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू का मीनिंग कंटिन्यू कंटिन्यू का मीनिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा सो so कोड देखते हैं हम लोग देव सी प्लस प्लस को आप ओपन कर लीजिए न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सोर्स फाइल एंड इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे फाइल सेव एज एज अ कंटिन्यू सीपीपी से so, आप इसे सेव कर देंगे सेम सबसे पहले आप हेडर फाइल डिफाइन करेंगे हैस इंक्लूड यू स्टेम देन यूजिंग नेम स्पेस एसपी देन आपका मेन सेम जो प्रीवियस कोड हमने आ, आपका ब्रेक स्टेटमेंट लिखा था वही मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ आपका फॉर एंड आई इक्वल टू वन एंड आई लेस देन इक्वल टू टेन आपने लिखा है देन आई प्लस प्लस हमने लिख दिया बाय बाई डिफॉल्ट अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सी आउट आपने किया एंड आई को प्रिंट कर दिया है देन हम लोग इसमें एन भी देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए Lesson. अभी अगर आप इसे सेव करेंगे और रन करेंगे तो प्रॉपर आपका होगा कंपाइल कर लेते हैं देन हम रन करते हैं इसको तो वन से तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है आप देखिए आपकी आई की वैल्यू फाइव हो तो ये आपका हो जाए कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटमेंट को ये का मीनिंग है फिफ्थ आई की वैल्यू फिफ्थ होगी वो वैल्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अदर स्टेटमेंट आपके प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे स्टार्टिंग के भी और फाइव के बाद के स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट होगा सो कंपाइल किया हमने देन आप रन करेंगे सो so आपकी वैल्यू क्या हो गई देखिए वन टू थ्री फोर फाइव आपका प्रिंट नहीं हुआ सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आपका प्रिंट हो चुका है तो इस टाइप से आप प्रिंट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको वन से हंड्रेड के बीच के सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं ऑल इवन नंबर आपको प्रिंट करने तो आप क्या करोगे आई मोट टू अगर आपका आई मोट इक्वल टू इक्वल टू वन होता है क्योंकि दो ही वैल्यू आपके आप दूसरा अगर डिवाइड करें किसी वैल्यू को तो दो ही रिमाइंडर आएंगे आपके या तो वन आएगा या आपका क्या हो जाएगा जीरो आएगा जीरो आता है तो यानी आपका क्या है इवन नंबर है अगर वन आता है तो ऑड नंबर सो ऑड नंबर को हम प्रिंट नहीं करना है तो उसे हमने कंटिन्यू कर दिया अदर वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी सेव करेंगे आप देखिए रन करते हैं हम लोग कंपाइल किया मैंने एंड देन रन कर दिया तो देखिए आप वन से हंड्रेड uh, के बीच में ऑल इवन नंबर आपके फाइंड आउट हो चुके हैं तो इसी टाइप से आपका कोई प्रोग्राम आ सकता है कि हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच के आके ऑल इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं सो हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच के आके ऑल इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं सेव करेंगे आप कंपाइल करेंगे इसको एंड रन करेंगे तो आपका हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच के ऑल इवन नंबर आपके यहाँ पर फाइंड आउट हो गए सो so, ये आपका सिंपल क्या था आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट था थैंक यू स्टूडेंट